आपको पता है कि 10 बजे से हमारी डुओ की लॉबी होती है, 11 बजे से हमारी स्क्वाड की लॉबी होती है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारी डुओ की लॉबी के लिए। तो देखते हैं किस तरीके का गेम प्ले और किस तरीके का सीन हमें आज देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टीम्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आज देखिए हमारे पास थोड़ी सी कम टीम है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ओहो, अर्ली किल्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी प्यारा नॉक किया और बहुत ही बढ़िया स्प्रे देखिए यहाँ पर किंग इश किंगी शेरे के द्वारा। ओके, काफ़ी ख़तरनाक सा नाम, पढ़ने में दिक्कत हुई काफ़ी। तो कहाँ मारा था रे इसने, आई थिंक इधर मारा था ना। हाँ, नॉक हुआ लेकिन बचा लिया गया पप्पी के द्वारा, नहीं तो पप्पी ले ली जाती इनकी तुरंत। तो हीरो यहाँ पर अवेलेबल है स्नैक्स के साथ और बहुत बढ़िया स्प्रे मारा था इन्होंने। मैग्मा भी टीम भी है, किंगी सेरे यहाँ पर अवेलेबल है और ये जहाँ जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि अगर हीरो वाली टीम ने देख लिया तो भी दिक्कत है इनके लिए। देख लिया था इन्होंने, देखा टूजी का स्प्रे कनेक्ट हुआ और ये बंदा बहुत ही प्यारा यहाँ पर देखिए नॉकआउट पूरा कन्फर्म करने की कोशिश की जाएगी। और ये देख कर रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा बंदा है कहा। ओ भाई 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 भाई, आई थिंक इसका नेट नहीं चल रहा है, गया ये। बहुत बढ़िया यहाँ पर फिनिश, नॉक एंड फिनिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो सबसे पहले टीम की बात कर लेते हैं। तो गाइस आज की जो टीम्स हैं यहाँ पर वो ये सारी टीम्स अवेलेबल है, देखिए आपके सामने मैंने खोल दिया है। तो ये सारी टीम जो है वो आज हमारी खेल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अटैकर है किंगी वाले को अभी हमने देखा ही था किस तरीके से फाइट ली उन्होंने। टार्जन है, नए बंदे यहाँ पर ऐश और विजय दो बंदे हैं, चैथी नया अवेलेबल है, रैगनार सी के साथ आया हुआ है, श्री के साथ भी एग्जैक्ट बैड एक्स हैं, वीएस के साथ अवेलेबल हैं। एक प्लेयर यहाँ पर, एक टीम ऑलरेडी वाइपआउट हुई, अभी देखा हमने किस तरीके से वाइपआउट किया गया उनको। साइक्लॉप्स यहाँ पर कम्मो भाई के साथ आए हैं, हितेश भाई आए हैं डीएलएसएस डुप्लेक्स के साथ, एटीजी हान एंड केविन यहाँ पर अवेलेबल हैं, इंसेंट के डे भी हैं, फोरेक्स नॉक्सटेल एज यूजल अभिनव ओपी के साथ, कोर की टीम से सेड वाईटी और लेवेंट अवेलेबल है, आईएसटी रॉनी और 8 PM नेमेसिस भी है, टार्जन सार्थक अवेलेबल हैं, डीएलएसएस की एक और स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है, स्कल के हेडीज और नमन भी हैं। गन शॉट लगे इनको भी और देखा गया और बहुत ही सही टाइम पर ये देखिए इन्होंने प्रोन किया, क्योंकि अगर वो प्रोन नहीं करते तो जाहिर सी बात है इनको नॉक एंड फिनिश भी कर दिया जाता। जी हाँ, तो सबसे पहले तो जिसने भी स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया गाइस फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, क्योंकि आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन चैनल के लिए वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, उसमें आप जो है वो किसी भी तरीके की अलगज्जी ना करें। एक सब्सक्राइब करने में आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो उसको ज़रूर प्रेस करें, लाल वाले बटन को फटाफट से प्रेस कर दें ताकि हमें एक सब्सक्रिप्शन मिल जाए हमारे बेहतरीन जनता के द्वारा जो कि देख रही है हमें इस टाइम पर। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ गाइस, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस फटाफट से लाइक कर दो यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। तो चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके का सीन है और किस तरीके का गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आवाज़ चेक कर रहा था जरा कि स्ट्रीम में जो आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही, तो आवाज़ एकदम लाउड एंड क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और किंगी शेरे यहाँ पर देखिए अपने लिए व्हीकल लेके आए हैं और शायद निकलने की चेष्टा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनको पता है भाई सामने अभी स्टार्टिंग में शायद फाइट लेना इनके लिए ठीक नहीं है, और ले भी लेते हैं तो फिर लूट पे डिपेंड करता है कि कौन सी टीम यहाँ पर सर्वाइव करेगी। वैसे ए के एम मिल गई है इनको और इनके पास भी ए के एम है, तो दोनों प्लेयर यहाँ पर ए के लेके चल रहे हैं, तो इनको फाइट लेना पड़ेगा। और ये लोग भी लूट ही रहे हैं, देखो फटाफट एनर्जी ड्रिंक मार ली इन्होंने, बूस्टर जो है वो रेडी कर दिया अपने आप को। विराट भैया भी हैं आई एस के साथ, कैबनिक यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एजे नहीं आया आज, और भी टीमें नहीं आई जो हमारी रेगुलर खेलती हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्रिज पे भसड़ होने वाली है। अच्छा, पानी में तैर रहा है लड़का। स्विमिंग कंपटीशन चल रहा है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी में जो है वो स्विमिंग चल रही है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। और टार्जन ओपी देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पॉट कर लिया जाए, और टार्जन ओपी अब फाइनली निकले, कह रहे हैं भाई स्पॉट तो करूँगा तेरे को मारूंगा अभी। अरे लॉल, वो पानी में डूब के मर गए यहाँ पर ऐश, बेचारे ऊपर ही नहीं आ पाए, बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक मौत पेट में पानी भर, लंग्स में पानी भरने की वजह से हुई उनकी। और समर कप का डिटेल्स जो है वो सब कुछ रिवील हो चुका है गाइस, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन सा टीम खेलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं आपके सामने। तो फटाफट से जो है वो आप ज्वाइन देख सकते हैं उनको, इंस्टाग्राम पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाकर वो देख सकते हैं, सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कौन से टाइम पे कौन सा मैच होने वाला है वो सारा इनको समर कप का जो है वो रिवील हो चुका है। किस तरीके से टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगी वो बस इनको एक रह गया है छोटा सा, वो इनको जल्दी ही रिवील हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना आप, सारी चीज़ें रिवील कर दूंगा मैं धीरे धीरे।
और ये देखिए रॉक के यहाँ पर ये निकल चुके हैं, तो यहाँ फाइट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। ये बंदा कहीं जा रहा है, इसको देखते हैं, क्योंकि जो भी बंदे आगे निकल रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद फाइट में आने वाले हैं या किसी भी तरीके से फाइट में आ सकते हैं। तो उत्कर्ष यहाँ पर आ चुके हैं और अभी आते ही बोलेंगे भैया क्रॉक्स, भैया क्रॉक्स, भैया क्रॉक्स, भैया क्रॉक्स। तो देखते हैं क्रॉक्स की टीम यहाँ पर खेल रही है या नहीं खेल रही है, वो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, अभी हमें बता देंगे। अच्छा तो ये सीन है। तो दोबारा से यार, जिसने अभी तक इस टीम को लाइक नहीं किया गाइस, फटाफट से इस टीम को लाइक कर दीजिए। देखिए डेडमैन आगे गए और ये बंदे बाइक से जा रहे हैं, और त्रिपला को क्या शानदार टार्जन, देखिए क्या शानदार तरीके से इन्होंने बाइक को हैंडल किया, और बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने हैंडल किया। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि त्रिपला पे बैठ के जब गन शॉट लगते हैं तो लौंडे हो जाते हैं कन्फ्यूज़, और उस कन्फ्यूज़न में उनको डेड होने पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पर विच स्काई विंस ने शायद एक बंदे को मार दिया है। जी हाँ, एक बंदा नीचे अभी भी अवेलेबल है, टीम नंबर 33 का वो प्लेयर है। देख रहे हैं बार बार, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सीन होगा, किस तरीके से मारने को मिलेगा इनको। क्रिश टाइगर की अगर मैं बात करूँ तो क्रिश के टाइगर भी देख रहे हैं, देखिए इनको भी पता है कि क्या सीन होने वाला है। तो क्रश टाइगर यहाँ पर अवेलेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा ये किस तरीके से यहाँ पर सीन होगा। तो सबसे पहले दोबारा से गाइस मैं